मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार ने जिला कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी चीजों को बारीकी से चेक किया। मंगलवार को कमिश्नर आंजनेय कुमार कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय और जिलाधिकारी न्यायालय समेत तमाम जगहों का निरीक्षण किया। जहां भी उन्हें कमी नजर आई, उसे ठीक करने के दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद कमिश्नर आंजनेय कुमार ने कहा कि जिला कलेक्ट्रेट समेत कई जगहों का सामान्य वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी चीजें ठीक पाई गई हैं। जो चीजें रुकी हुई हैं, उन पर पहले से कार्य चल रहा है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि पब्लिक के नजरिए से हम सुविधाओं को और ज्यादा बेहतर करेंगे। कर्मचारियों के लिए भी बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही राजस्व से संबंधित चीजों का बेहतर रखरखाव पर ज्यादा फोकस किया गया है। सामान्य वार्षिक निरीक्षण है और उसके तहत मैंने आज मुरादाबाद जनपद का किया। सामान्य तौर पर सभी चीजें ठीक ही पाई गई, क्योंकि जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा पहले भी निरीक्षण किया जा चुका है और सारी चीजों को जो मैंने चीजें देखी वो पहले भी उनके द्वारा देखा जा चुका है, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो मैं संतुष्ट हूँ, एक सही दिशा में और इनकी निगरानी में चीज़ें हैं और पेंडेंसी बहुत कम है और जहाँ पे है भी वहाँ पे उनकी नज़र में है, तो बहुत जल्दी से सुधार है। क्या दिशा निर्देश दिए हैं आपके द्वारा? सामान्य तौर पर बस यही कि पब्लिक की सुविधा के नज़रिए से हम जितना ज़्यादा बेहतर सुविधाओं को और कर सके करेंगे। जो उपलब्ध हमारे पास स्थान है, उस स्थान के हिसाब से कर्मचारियों के लिए भी बेहतर वर्किंग एटमॉस्फेयर, काम का माहौल तैयार किया जा सके, इसके भी प्रयास होंगे और उस पर ऑलरेडी डीएम साहब ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें भी परिवर्तन आएगा और कई और सारी चीज़ें जितनी लिमिटेशन हमारी है उसके हिसाब से जल्दी ठीक। मुख्य रूप से किस चीज़ पे फोकस रहा है, मतलब किस चीज़ को ज़्यादा देखा, किसों का? देखिए, जिसका पब्लिक से सीधा सरोकार है उसको हम प्राथमिकता देते हैं। तो उसमें जो पब्लिक के जहाँ सीधे सीधे पब्लिक से इंटरफेस है, वहाँ की चीज़ें दुरुस्त रहें। दूसरे, जो कर्मचारी उन जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ बहुत संवेदनशील जगह हैं, क्योंकि यहाँ पे राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी बेहतर रखरखाव उनका ये सुनिश्चित किया जाए, इन दो बिंदुओं पर मुख्य रूप से फोकस रहा। और तीसरी कि जो शासन की प्राथमिकता के जो बिंदु हैं और जो हमारे पास कहीं किसी तरीके की कोई टेंडेंसी न रहे, इसका रिव्यू किया गया और काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक ट्रैक पे हैं। उम्मीद है कि इलेक्शन की वजह से कई सारी चीज़ों पर भी जो रुकावट आई थी अगले एक महीने के अंदर, वो सारी चीज़ें भी दुरुस्त।